पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ई रिक्शा चालक ने पत्नी की बेवफाई से आहत होकर पत्नी रेशमा को मौत के घाट उतार कर शव घर के गटर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा चालक नन्ने ने अपनी पत्नी रेशमा की हत्या करके घर के गटर में शव फेंक दिया। पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर छानबीन की गई और पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को भी पकड़ लिया और उसे भी जेल भेज दिया है। देखिए, कल रात्रि में करीब 12 से 1 के बीच में सूचना मिली थी थाना सिविल लाइन के अंतर्गत कि एक घर में झगड़ा हुआ है और वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है और पति पत्नी दोनों गायब हैं। इसी पे थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा मौके पे जाके जब जांच पड़ताल की गई तो वहाँ देखा गया कि वहाँ ब्लड गिरा हुआ था और आसपास में कुछ मिल नहीं रहा था। काफ़ी मशक्कत के बाद में सेफ्टी टैंक को जब खोल के देखा गया तो उसके अंदर महिला की डेड बॉडी उसमें मिली थी, जिसमें महिला का गला रेत के हत्या की गई थी। और इस पर लगातार हम लोगों ने काम किया और रात्रि में जो महिला के जो पति हैं उनको गिरफ्तार किया गया, नन्ने को, और जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा इस घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। और उनका ये कहना था कि ये उनकी भी दूसरी शादी थी और जो उनकी पत्नी है उनकी भी दूसरी शादी थी और इसी बात को लेकर आपस में कुछ इलिसिट रिलेशन को लेकर इनमें बहस होती रहती थी और इसी बात को लेकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी आज इनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है और बाकी केस में भी कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।